हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरें। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। जिले की SAG यूनिट सेक्टर 7 सोनीपत की पुलिस टीम ने मादक पदार्थ तस्करी की घटना में संलिप्त आरोपी को मादक पदार्थ अफीम सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सन्नी निवासी बैयापुर खुर्द जिला सोनीपत का रहने वाला है। खरगोदा की पुलिस टीम ने अवैध हथियार की घटना में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक निवासी जोली व कृष्ण उर्फ आशीष निवासी मुंडलाना जिला सोनीपत के रहने वाले हैं। थाना खरगोदा की पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना में संलिप्त आरोपी को चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक पुत्र वजीर निवासी गढ़ी बोहर जिला रोहतक का रहने वाला है। गत 20 मई को महावीर पुत्र धर्मा निवासी गोरड़ की खरगोदा बस स्टैंड पार्किंग एरिया से बाइक चोरी हुई थी। थाना शहर गोहाना की पुलिस टीम ने सट्टा खाई वाली करते रंगे हाथों आरोपी को गिरफ्तार करके कुल 680 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी जोनी निवासी गढ़ी उजाले खां गोहाना का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के अंतर्गत थाना शहर गोहाना में अभियोग दर्ज किया गया। जिले की थाना शहर गोहाना की पुलिस टीम ने फर्जी स्टिकर प्रयोग कर बोतल बंद पानी बेचने की घटना में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सतीश निवासी विष्णु नगर गोहाना सोनीपत का रहने वाला है। रुपए दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने की घटना में संलिप्त एक महिला आरोपी को किया गिरफ्तार। न्यायालय में की पेशकश। जिले की थाना मुरथल की पुलिस टीम ने रुपए दोगुने करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने की घटना में संलिप्त एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला जिला सोनीपत की रहने वाली है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत कपूर के आदेश अनुसार वे पुलिस आयुक्त सोनीपत के निर्देश अनुसार दिनांक 12 जून से 26 जून तक ड्रग फ्री भारत ड्रग फ्री हरियाणा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सहायक पुलिस आयुक्त श्री जीत सिंह ने प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में जाकर वहां उपस्थित बच्चों को नशे की इस मुहिम की पालना करने और नशे से दूर रहने के बारे में संदेश दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त श्री जीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री शत्रुजीत कपूर के आदेशों की पालना करते हुए जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ 12 से 16 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत आम लोगों को नशीली दवाओं नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों व दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य आमजन को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है, छात्रों को नशीली दवाओं नशीले पदार्थों के खतरों से दूर करना है। गांव बड़ी की राजस्व संपदा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। DDP ने लोगों से की अपील, अवैध कॉलोनियों में न खरीदे कोई भी प्लॉट। गांव बड़ी की राजस्व संपदा में GT रोड के साथ लगती काली माता मंदिर के पीछे 5 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। कार्यवाही के दौरान 15 DPC, 8 बाउंड्री वॉल तथा 1 निर्माणधीन सर्विस स्टेशन को ध्वस्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक सामाजिक संस्थाओं की होगी भागीदारी, उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार। योग दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को स्थानीय पुलिस ग्राउंड में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन पूरे जोश और उत्साह के साथ किया जाएगा। योग दिवस कार्यक्रम में युवाओं के साथ साथ अधिक से अधिक सामाजिक संस्थाओं व स्वयं सहायता समूह को शामिल किया जाए। योग दिवस कार्यक्रम में NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट्स, कैडेट्स, खिलाड़ियों के साथ साथ आमजन की बड़ी भागीदारी होगी। बाढ़ नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करने के लिए गोहाना पहुंचे मुख्यमंत्री के OSD वीरेंद्र बड़खालसा। गोहाना क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्यों को तेजी व गुणवत्ता के साथ पूरा करवाएं अधिकारी। सरकार द्वारा गोहाना के बाढ़ संभावित क्षेत्रों बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए दिए गए हैं 80 करोड़ रुपए। OSD ने बैठक के बाद किया बाढ़ संभावित क्षेत्र में किए गए कार्यों का निरीक्षण। OSD वीरेंद्र बड़खालसा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा गोहाना के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे बरसाती पानी की निकासी के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने गांव कथुरा में 1 करोड़ 30 लाख की लागत से दबने वाली पाइपलाइन के बारे में अधिकारियों से बातचीत की,
तो अधिकारियों ने बताया कि कल इस लाइन को दबाने का कार्य शुरू किया जाएगा और बरसात समय से पहले इसे दबा दिया जाएगा। प्रताप स्कूल के निखिलेश का साउथ एशियन गेम्स के लिए चयन। साउथ एशियन गेम्स जो कि चेन्नई में आयोजित होंगी के लिए बेंगलुरु में शॉटपुट गेम का ट्रायल आयोजित हुआ, जिसमें प्रताप स्कूल के निखिलेश ने स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपना चयन साउथ एशियन गेम्स के लिए करवाया। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने बताया कि निखिलेश एक उभरता हुआ खिलाड़ी है। इससे पहले भी निखिलेश ने नेशनल व सीबीएसई नेशनल में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। निखिलेश अब तक 6 बार नेशनल लेवल पर पदक प्राप्त कर प्रदेश व प्रताप स्कूल का नाम रोशन कर चुका है। यह साउथ एशियन गेम्स में भी पदक प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेगा। खरखुदा से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 334 भी हसनगढ़ के पास से गुजरने वाली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर के ठीक नीचे एक कंटेनर पलट गया, जिससे रूट को डाइवर्ट किया गया। कंटेनर के चालक को चोट आई है। कंटेनर आटे के बैग से भरा हुआ था जो छज्जर की तरफ जा रहा था। सुबह सुबह संतुलन बिगड़ने के कारण कंटेनर पलट गया। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर अचानक कार में आग लग गई। कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा हाइड्रा मंगाकर कार को साइड किया गया व रास्ते को बहाल किया गया। जिला में विभिन्न योजनाओं को लेकर चल रहे विकास कार्यों को तेजी से करवाएं पूरा, उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार। सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों व पशु अस्पतालों पर हो पानी वाली पानी व शौचालय की उचित व्यवस्था की जाए। जनसंवाद पोर्टल पर पेंडिंग शिकायतों का तुरंत करवाएं समाधान। मुख्यालय बात कर पोर्टल पर दिखाई जा रही डाटा को करवाएं अपडेट। सीएम विंडो पर लंबित पुरानी शिकायतों का करें निपटान, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ होगी कार्यवाही। स्वामित्व योजना के तहत लोगों को जल्द दिलवाएं प्रॉपर्टी कार्ड। जिला में नहीं होना चाहिए कोई भी अवैध खनन, संबंधित अधिकारी लगातार करें चेकिंग। पेयजल और जल भराव को लेकर अखबारों में आने वाली खबरों पर संज्ञान लेते हुए लोगों को राहत देने का कार्य करें। उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने शुक्रवार को जिला बोर्ड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। केंद्र में हरियाणा से 3 मंत्री बनने से हरियाणा के विकास को मिलेगी तेजी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सोनीपत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुंडली सेक्टर 7 व गन्नौर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का किया जोरदार स्वागत। कहा, लोगों में विपक्ष द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं को दूर करने के लिए सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर करें लोगों से बातचीत। और अब अगले 3 महीने बाद हम अपनी जो भी जहां जहां कोई कमी आई है उसको दूर करने के लिए आप लग जाएं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार जितना भी ज्यादा ज्यादा सहयोग हरियाणा का कर पाएगी, हम 3 मंत्री वहां हैं, अपने अपने विभाग से भी कराएंगे, बाकी सब जगह भी कराएंगे। सोनीपत जिला तो इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने यहाँ हाईवेज निकले हैं, जितना रेलवे का यहाँ काम हुआ है और जितने भी विषय हुए हैं, एक से एक बढ़कर के हुए हैं। इन सब चीजों को हमको ध्यान भी कराना है और जहाँ कहीं कोई अपने को लगता है कि और नए कामों की जरूरत हो, निसंकोच बताना है। ऊर्जा विभाग ये अपने पास आया है, शहरी विकास और हाउसिंग ये अपने पास आया है, तो ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन विभागों के माध्यम से हरियाणा के, खास करके जो दिल्ली के आसपास एनसीआर का एरिया है, इसमें तो भरपूर काम होने वाले हैं। केदारनाथ एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ईंट, रोड़ी, क्रेसर, सीमेंट, बदरपुर, एएसी ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।